पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोक में होने लगी। जब नारद जी ने अनुसुया के पति धर्म की सराहना तीनों देवियों से की, अनुसुया की सराहना सुनने के बाद माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने अनुसुया की परीक्षा लेने की ठान ली। सती अनुसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों के अनुरोध पर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव पृथ्वी लोक पहुँचे। अत्रि मुनि की अनुपस्थिति में तीनों देव साधु के वेश में अनुसुया के आश्रम में पहुँचे और माता अनुसुया के सम्मुख भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवताओं ने माता के सामने ये शर्त रखी कि उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। इस पर माता को संशय हुआ। इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने ध्यान लगाकर जब अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई दिए। देवी अनुसुया ने अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का तो वो 6 माह के शिशु बन गए। तब माता ने शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन कराया तो वहीं 3 दिन तक पति के वियोग में तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद मुनि ने उन्हें पृथ्वी लोक का वृतांत सुनाया। तीनों देवियां पृथ्वी लोक पहुंची और माता अनुसुया से क्षमा याचना की। तीनों देवों ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर माता के कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद तीनों देवों ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश पाने के बाद माता अनुसुया अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।